अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चे का व्यवहार प्रभावित होता है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें मुख्यतः तीन तरह के सिम्टम हो सकते हैं, जिसको हम पहला कहते हैं पुअर अटेंशन, जिसमें अटेंशन की थोड़ी कमी होती है, और दूसरा हो गया जिसमें हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा होता है इम्पल्सिविटी। पुअर अटेंशन का मतलब है कि बच्चा जो है उसको पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता है, जैसे उसकी जो पेंसिल है कॉपी है वो भूल आता है, काम पूरा नहीं करेगा, तो कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से नहीं फॉलो करता, तो ये सारे जो लक्षण हैं पुअर अटेंशन के। हाइपर एक्टिविटी का मतलब यह है कि वो बहुत चंचल रहेगा, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, इधर उधर चलता रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए उस वक्त करने के लिए, तो वो एक हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिविटी में चीज़ उठा के फेंक देगा, उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, तो ये सिम्टम्स होते हैं। इसमें सबसे आवश्यक है बच्चे के व्यवहार में आए बदलाव को पहचानना। इसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई में बहुत अफेक्ट होता है, बिहेवियर में बाकी बच्चे उसको अलग कर देते हैं, उसके साथ खेलना नहीं चाहते। सबसे खास बात यह है इस सब का इलाज संभव है, और इसकी दवा है, और इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, और बच्चे जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सही इलाज द्वारा ADHD से प्रभावित बच्चे का बेहतर जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, DD News।